अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी औरंगजेब को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। दो दिन पहले का ये पूरा वाकया है जब उर्स के दौरान औरंगजेब की तस्वीर को लहराया गया था और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। और आज कोल्हापुर में क्या हुआ है वो तस्वीर इसके बाद आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये देखिए उर्स का जो जुलूस निकल रहा था, किस तरह से हाथ में बैनर लिए हुए थे और इसमें तस्वीर भी थी औरंगजेब की जिन्हें लहराया गया था और उस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ था। और अब आज देखिए महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में किस तरह से व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया गया, औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई और उसके बाद हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं। जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कोल्हापुर में कि इसके बाद लोगों को वहां से हटाने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त बड़ा सवाल उठा रही हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। और देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विवादित पोस्ट के मामले में दो FIR दर्ज हुई हैं। औरंगजेब के स्टेटस को लगाने के मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। विवादित पोस्ट के मामले में ही आज हुए प्रदर्शन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कोल्हापुर में हिंदुवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, जमकर बवाल हुआ। कुछ उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी भी की है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही वजह है कि इसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। विवादित स्टेटस के बाद कोल्हापुर में कल से वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है। आज हिंदुत्ववादी संगठनाओं की ओर से इस घटना का निषेध करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता जमा हुए थे और यहीं पे आप देख सकते हैं सभी ये हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता जो है थे आक्रामक हुए और उसके बाद की दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह कैसे आंदोलक आक्रामक होने के बाद पुलिसों ने भी लाठीचार्ज किया है। किस तरीके से हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का सामान जो है, चप्पल हो या और कुछ सामान हो, ये सब ऐसे ही रास्ते में बिखरा हुआ हम देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, महानगर पालिका चौक की ये सभी दृश्य है। अभी परिस्थिति तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण शांतता जो है वो कोल्हापुर में दिखाई दे रही है। लेकिन हम देख सकते हैं तीन या चार घंटे से ये सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता आक्रामक थे और इन लोगों को अब यहाँ से निकालने के लिए पुलिस ने भी एक्शन मोड पे आकर पुलिस ने भी इन सभी कार्यकर्ताओं को अब यहाँ से हटा दिया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हो या महानगर पालिका चौक हो, अभी यहाँ पे तनावपूर्ण शांतता देखने को मिल रही है। और वहीं कोल्हापुर में जो हंगामा हुआ इस पर एक्शन में है महाराष्ट्र सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कहा गया ये भी आप देखिए। कड़ी कार्रवाई होगी अशांति फैलाने वालों के खिलाफ, उनकी पहचान भी की गई है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान दिया गया, माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये शिंदे का बड़ा बयान। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है।